जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम आप सभी कृष्ण भक्तों के लिए लाए एक मजेदार सी वीडियो। तो आप लोग सोच रहे होंगे हम यहाँ पे इतने सारा सामान लेके क्यों बैठे हैं। तो आज हम आपको हमारे कृष्ण और राधा जी का सारा सामान दिखाएंगे और इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। सारे कृष्ण भक्तों को पता ही होगा कि अभी हमारी राधा जी आई हैं, तो उनका सामान अभी थोड़ा कम है और कान्हा जी का ज्यादा है, तो अब आपको हम सब दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। कृष्ण भक्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं उनके वस्त्र से। यहाँ पे रखे हैं उनके कुछ वस्त्र और वहाँ पे भी रखे हैं उनके कुछ वस्त्र। ये उनके नए वस्त्र हैं और वो उसमें है उनके जो अभी डेली पहनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनके उन कपड़ों से जो जोड़ी में है, जो राधा कृष्ण दोनों एक साथ पहनते हैं। तो ये है दो कपड़े, राधा जी के दो वस्त्र। जब वो आई थी उन्हीं के साथ ये आए थे और ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं एक ये रहा और एक ये रहा। और अब हम दिखाते हैं राधा कान्हा के दोनों के सेम सेम। ये सर्दी के हैं वैसे तो, इसकी बहुत गर्म है, बहुत सेम सेम है। राधा जी का है पिंक कलर का, सेम ही डिजाइन है बिल्कुल इसका और कपड़ा बिल्कुल सेम है, बस कलर का डिफरेंस है। अब दिखाते हैं हम आपको दो कपड़े और सेम जो है ये दोनों राधा कृष्ण के हैं। ये कृष्ण जी पहनेंगे हमारे और ये पहनेंगी हमारी राधा। अब ये नए है वो किसी त्योहार पे पहनेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं डेली वेयर के, चलिए निकालते हैं। ऐसे तो इनके पास बहुत सारे वस्त्र हैं हम, लेकिन आपको एक साथ नहीं दिखा सकते, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको दिखाते हैं कुछ उनके नए और जोड़ी में कपड़े जो सेम सेम है। स्टार्ट करते हैं। ये है दो, ये रेड रेड सेम सेम है बिल्कुल। ये न्यू ही है, अभी लाई थी मेरी दादी जब राधा जी आई थी। ये है सेम सेम कमल वाले पिंक वाला राधा जी का और एक कान्हा का है, बहुत सेम है। और ये रहे दोनों पिंक पिंक, ये राधा जी का और एक कान्हा का है हमारा। ये भी पूरे सेम है डिजाइन, सिर्फ कलर बस कलर चेंज है। तो ये है व्हाइट कलर के कलर। हाँ ये भी सेम है कलर, इसमें बस थोड़ा डिजाइन अलग है। और इसका डिजाइन सेम है बस कलर चेंज है। गाइज हम लोग ट्राई करते हैं कि सेम सेम ले दोनों के लिए, बस कलर अलग ले ताकि मिक्स ना हो जाए। और वो तो अभी काफी है फिर भी, क्योंकि अभी आई थी जैसे आपको पता है, आपने वीडियो देख ली होगी जाके। एक ये वाले पिंक पिंक ये भी न्यू है और एक ये है। एक ये तो जब राधा जी आई थी पहले दिन यही पहन के आई थी, ये मेरी फेवरेट ड्रेस है। और एक कान्हा जी का है और ये दोनों भी है। ये बिल्कुल सेम है, डिजाइन सेम है पर कलर चेंज है थोड़ा। तो ये हो गई वस्त्र की बात। और अभी भी आप देख सकते हो बहुत सारे वस्त्र रखे हैं, लेकिन अभी और सामान भी है। तो पहले हम चलिए अब हम आपको दिखाते हैं उनकी पगड़ी। तो यहाँ पे बहुत सारी पगड़ी है कान्हा की। राधा जब आई थी तो अभी उनकी एक ही मुकुट है, क्योंकि वो अभी आई है कुछ दिनों पहले, पर ये एक मुकुट भी बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है, आपको दिख नहीं रहा होगा वैसे, आपने वीडियो में भी देख लिया होगा। धीरे धीरे हम उनके लिए शॉपिंग कर रहे हैं, तो एक दो मुकुट और ले लें। जैसे कान्हा जी आए थे फिर धीरे धीरे उनके लिए सामान आया था, वैसे अब राधा रानी के साथ। तो जल्दी जल्दी सारे हम आपको दिखा देते हैं। ये भी कुछ पगड़ी है कान्हा की, ये सबसे बड़ी पगड़ी है। एक ये है और एक छोटी, एक रेड है, ग्रीन है, बहुत सारी है बड़ी बड़ी, एक डार्क ब्लू, हर कलर में अवेलेबल है हमारे पास कानों की। ये तो सेम है देख सकते हो आप, बस कलर का डिफरेंस है। और ये दोनों है ग्रीन है येलो। ये एक अभी न्यू रखी है, अभी हमने ओपन नहीं करी है ये। और ये सारे एक रेड कलर की है, ये छोटू सी है। गाइस बहुत सुंदर सुंदर है, आप देखोगे तो बस। अगर आप हमारे डेली व्लॉग देखते तो आपको याद होगा कि ये हमने कानों के लिए हरिद्वार से खरीदी थी। हो गई है अभी पगड़ियाँ, सारी पगड़ी हो चुकी है, बहुत सुंदर सुंदर है। तो पगड़ी के काउंटर के साइड में ये एक छोटा सा काउंटर, यानी कि कान्हा जी की फेवरेट गाय। बहुत सारी गाय है हमारे पास, छोटी से लेके बड़ी। सबसे पहली बड़ी, सबसे बड़ी काव है ये हमारे पास, गाय माता। और ये इसमें देवी देवता बन रहे हैं, सारे देवी देवता बन रहे हैं इसमें। ये है छोटी छोटी गाय, ऐसा माना जाता है कि कान्हा के पास जितनी गाय हो उतना ही अच्छा है, तो बहुत सारी गाय रखना है उनके पास। ये हाथ पे बैठे हुए राधा कानू, राधा कृष्णा। एक छोटू सा गुड्डा है बेबी, यानी कि ये अम्मा जब वृंदावन गई थी वहीं से लाई थी। और ये बड़ी वाली काव भी, और इनका भी ये मक्खन खाने वाला है, मटकी है ये। और इसमें एक बड़ी मटकी है जो हमने डिजाइन करी थी। और इसमें होली वाली पिचकारी और बाल्टी। और एक ये है
तुलसी जी, तुलसी माता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब कान्हा राधा के वस्त्र भी हो गए, उनके पगड़ी और मुकुट भी हो गई, उनके आसपास सजाने के लिए गाय वगैरह सब हो गए। अब हम आपको दिखाते हैं मेन, वो बैठते किस पे है, सोते किस पे है। उससे पहले हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं, ये है कान्हा की साइकिल। अगर आप हमारे डेली सब्सक्राइबर हैं तो आपने देखा होगा इस पे कान्हा बैठ के अब चला रहे थे साइकिल, हमने रील्स बनाई थी। अब तो राधा रानी भी आ गई पीछे उन्हें बिठा के और आगे खुद चला के ले जाएंगे। बहुत प्यारी है ये भी, बहुत छोटू सी है, आप देख रहे होंगे। हमने कान्हा राधा के लिए छोटा छोटा ही सामान खरीदा है क्योंकि उनके लिए बड़ा सामान अच्छा नहीं लगता है। तैयार कर देते हैं वापस से इसे, उसे लैंड कर देते हैं वापस उसकी जगह पे। एक चीज रह गई है, वो है ये नहलाने के लिए उनका टब और मग। गाइस ये दोनों सेम है, इसमें वो बैठ के नहाते हैं और ये रहा, बहुत सुंदर है। हर चीज उनके लिए होनी चाहिए। तो अब हम दिखाते हैं उनके बेड। कृष्ण भक्तों इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है, हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले कान्हा का सिंहासन। जब हमारी राधा नहीं आई थी तो कान्हा इस पे बैठते थे और इसे में हमने डेकोरेट ये करा पहला सिंहासन था उनका, इसे हमने डेकोरेट करा था, ये उनका पहला सिंहासन है। और यहाँ पे दूसरा था, दूसरी मतलब खाट है एक तरह से। जब ये दादी हमारी साइकिल लाई थी वहीं से ये खाट भी लाई थी, बहुत सुंदर है कान्हा इस पे, सर्दियों में बैठते थे ज्यादातर धूप में। और इसके ऊपर एक चादर बिछा रखी है, इसके ऊपर एक गद्दा है, और ये मैंने जब डेकोरेट करा था तो इसके ऊपर छोटे से बाल कृष्णा के स्टिकर भी लगाया था। और एक है ये थर्ड, ये जो इन दोनों के बाद आया था, ये एक बेड है, सिंगल बेड। ये कान्हा का बेड और बिल्कुल वैसा बेड है जैसा हम लोगों का होता है। ये मैं आपको ये काफी टाइम से दिखाना चाहती हूँ। जैसे हमारा गद्दा हट जाता है उसके बाद अंदर होते हैं पार्टीशन जिसमें हम रख सकते हैं सामान, वैसे ही कान्हा के में भी है। और ये बहुत सुंदर लगा था जब आया था, और इसी में दादी हमारी चद्दर वद्दर कानू की इसी में रखती थी, सारे गद्दे तकिए और ये इनके ऊपर बिछाने के लिए ये है, मेरी दादी ने खुद बनाया था हाथों से। आप दिखाते हैं, अब रह गई मच्छरदानी, मच्छरों के इलाज के लिए छोटू सी मच्छरदानी कान्हा के, जो ये सब पहले हम लाए थे कान्हा के लिए। एक ये रही, इसके अंदर सो सकता है और इसके अंदर एक छोटू सा कुशन सा भी है, पर अब तो एक और लानी पड़ेगी राधा रानी के लिए भी। वैसे दोनों आ सकते हैं गाइस, इसके अंदर ही बहुत बढ़िया है। अब हम दिखाते हैं आपको वो जिसमे वो दोनों एक साथ बैठ सकते हैं, जो है अभी अभी आया नया, आपने वैसे वीडियो में देख लिया। ये रहा वो सिंहासन, और ये इसका बैकग्राउंड पूरा मोर वाला है, मोर बन रहा है पूरा पंख खोल के पीछे। इसके ऊपर है गद्दा और यहाँ पे चद्दर बिछा रखी है हमने, जो इसके ऊपर बिछा रखी है वैसे सेम। और ये काफी बड़ा है, दोनों इस पे बैठ भी जाते हैं, सो भी इसी पे सकते हैं। और गाइस ऐसी एक और है व्हाइट कलर का, पर उस पे अभी कान्हा राधा सो रही है। तो गाइज वो अभी सो चुके हैं, हम लेट वीडियो बना रहे हैं थोड़ा, तो अभी हम वो आपको दिखा नहीं पा रहे और कान्हा राधा से हम आपको मिलवा नहीं पा रहे हैं। ऐसी एक बड़ा सिंहासन और है व्हाइट कलर का, जो आपने देखा होगा वीडियो में। अब दिखाते हैं एक ये छोटा सा बेड, इसके अंदर है कुशन और एक तकिया, जो इस चारपाई पे आ सकता है, लेकिन इस पे आ नहीं सकते वो दोनों एक साथ। और ये है कान्हा राधा की पिगी बैंक, गुल्ला के उन दोनों के इसमें वो सब इनके पैसे मिलते हैं, उन्हें पैसे अभी भी हैं इसके अंदर। कुछ रह गया, अरे रह गया, जब वो लोग तैयार हो जाते हैं, सब पहन लेते हैं, वस्त्र पहन लेते हैं, पगड़ी पहन लेते हैं, तैयार होने के बाद नहा धो के वो जब बैठते हैं सिंहासन पे तो वो उनके हाथों में आती है ये बांसुरी। ये एक ये है और एक ये है, ये हमने खुद बनाई थी और ये मेरी दादी लाई थी, इसमें लाइट भी जलती है, जल गई, वाओ, मोर पंख भी लग रहा है गाइस देखिए। ये तो हमने बनाई है ये वाली, और बाकी हमारे पास छोटी छोटी और भी हैं। हमने आपको राधा के श्रृंगार का सामान दिखा दिया, लेकिन अभी है इसमें कान्हा का श्रृंगार का सामान और राधा का भी है, जैसे कि माला, बांसुरी, उनके हाथों के कड़े, आप देख सकते हो छोटी सी बास्केट में रखा हुआ है सामान। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखा रही हूँ कान्हा राधा के हाथ के कड़े, हमारे पास बहुत सारे
तरह के कड़े हैं, व्हाइट है, रेड है, मल्टी कलर भी है, बहुत सारे अलग अलग डिजाइन है, सुंदर है। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई थी इसलिए हमें इसे म्यूट करके फास्ट करना पड़ा है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कमेंट में जरूर बताना क्या आपको इस वीडियो का बिहाइंड द सीन देखना है, यानी कि ब्लूपर्स। इस वीडियो के बहुत ज्यादा फनी फनी ब्लूपर्स है। यहाँ पे है माला, कुछ गिफ्ट मिली हुई है और कुछ हमने खरीदी है बड़ी छोटी। हाँ जी का सब सामान दिखा दिया, बस एक आइटम बचता है, वो है कान्हा जी की टोकरी। हम पे दो टोकरी है, एक है ये वाली और एक है ये वाली, जिसमें हम उन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं। वैसे हम लेके नहीं जाते क्योंकि कान्हा जी को कहीं लेके नहीं जाना चाहिए बाहर, ऐसा कहते हैं। हाँ, ये इस वाली में आई थी हमारी राधा, अभी आपने ब्लॉग में देखा होगा। और ये वाली हमने करी थी गिफ्ट पहले बर्थडे पे। ये हो गई तो टोकरी, सब दिखा दिया गाइस हमने लगभग। आप कमेंट में बताना आपको उनका सामान सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा लगा, बड़ा सिंहासन, छोटा सिंहासन, उनकी खाट, और ये उनका बेड, और बेड कैसा लगा ये तो जरूर बताना, क्योंकि जब ये आया था हमें तो बहुत पसंद आया था। गाइस हम सोच रहे हैं कि एक ऐसे में ही डबल बेड ले ले उन दोनों के लिए, राधा रानी और कान्हा जी के लिए, उसमें उनका सामान भी आ जाएगा। हमने सोचा नहीं था कि बेड हमारे जैसा भी हो जब लेंगे हम। आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप राधा कृष्ण के भक्त हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर राधा कृष्ण से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और कमेंट में जय श्री कृष्ण और राधे राधे लिखना मत भूलना। देखो राधे राधे लिखने में पैसे नहीं लगते तो उसमें कंजूसी मत करना। आप लोग सब्सक्राइब तो करते नहीं हो लेकिन कम से कम राधे राधे और हरे कृष्णा जरूर लिख देना। तो हमारी आज की वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे।